हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द न्यू क्वेश्चन। कैलकुलेट मैश करंट्स। मैश करंट्स यानी आई वन और आई टू की वैल्यू बतानी है हमें। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। पहले इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था कि हमें देखना होगा जो डॉटेड टर्म जो डॉट दे रखे हैं उनमें करंट एंटर करती है या लीव करती है। तो मैं पहले इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं पोलैरिटी बताऊँगा कैसे लेनी है, ठीक है। तो इसका जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, सर्किट को एज इट इज रखना है, बस जो कपल्ड इंडक्टर्स हैं उन पे ध्यान देना है। ये आ गया 4 ओम, ये -j3 ओम। कपल्ड इंडक्टर्स कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो पहले इस वाले को देखो, एक इंडक्टर बनाया, उसके सीरीज में क्या करेंगे, एक डिपेंडेंट सोर्स लगा देंगे, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। यही काम दूसरे वाले के साथ करना। ये इंडक्टर लगाया, उसके साथ वो सीरीज में क्या लगा देंगे, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये 5 ओम, ये था हमारा j6 ओम, ये था j8 ओम। अब ध्यान से देखो क्या पोलैरिटी कैसे देनी है। पहले इनकी डायरेक्शन जो गिवन है ऐसे ही रहेगी, इसमें I1 है, इसमें I2 है, बस इसकी पोलैरिटी और पता चल जाए, ठीक है। पोलैरिटी रेंज पहले मैं बता दूँ, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, इस टाइप से होगी। देखो I1 तो ऐसा आ रही है, I2 ऐसा जा रही है, तो इसमें करंट कितनी होगी, I1 - I2, ठीक है। इसमें ऑलरेडी I2 फ्लो हो ही रही है, ये I2 ऐसा जा रही है, ठीक है। तो इसमें I2 है, इसमें I1 - I2 है, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो ये I1 - I2 नेट करंट जो इसमें डॉट में एंटर कर रही है, यहाँ पे I2 इससे लीव कर रही है। तो ये कौन सा केस हो गया, एक में एंटर कर रही है, दूसरे में लीव कर रही है। जब एंटर और लीव का केस होता है तो क्या होता है, जो साइन पोलैरिटी होती है माइनस प्लस ली जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस वाले में करंट ऐसे थी नीचे की तरफ, तो इसमें नेट करंट I1 - I2 नीचे की तरफ आ रही थी, यानी पॉलिटी लेनी है मुझे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसकी ऐसे इसमें लो करंट I2 ऐसे फ्लो हो रही है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। इनकी वैल्यू कितनी होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी J2, उसके जो जिसके साथ वो कपल्ड इंडक्टर्स था उसके पड़ोस वाले उसमें इंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें जेड में कितनी करंट फ्लो हो रही थी, I2। ऐसे यहाँ पे इस वाले के लिए देखना, तो इस वाले में कितनी करंट थी, I1 - I2, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय इस वाले में जो करंट है, ठीक है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो उसके पड़ोस वाले उसमें देखते हैं कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। बस अब दे दिया, अब तो बस केवीएल लगाने लग गया। अब केवीएल लगाओ और सॉल्व करना शुरू करो। मैं इस वाले में पहले केवीएल लगाता हूँ, तो इसमें लगाऊंगा तो J2 I2, नीचे इसमें करंट कितनी आ रही है, I1 - I2, ठीक है। तो करंट नीचे की तरफ है, मैं ऊपर की तरफ केवीएल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यह आ जाएगा -j6 I1 - I2, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रही है, J8 I2 और माइनस पहले J2 I1 - I2, यहाँ पे 5 में क्या होगी, 5 I2 = 0, ठीक है। इसको जब I1 को I2 के टर्म्स में लिखेंगे तो आएगा I1 = I2 18 - J5/8, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें लगा दो KVL, कितना आ जाएगा, -100 + 4 - J3 I1, ठीक है, 4 - J3 I1 नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन रहेगा, J6 I1 - I2 - J2 I2 = 0, ठीक है। यहाँ पे I1 की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, देन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100 को मैं इधर ले गया, तो मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूँ। पहला I1 के टर्म्स लिखा देगा 4 - J3, यहाँ से आएगा J6, ये तो हो गया I1 की वैल्यू, ठीक है। I2 के लिए लिख रहा हूँ मैं,
कितना आएगा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई की तो माइनस जे सिक्स माइनस जे टू आई टू जिकस टू जीरो। ठीक है, आई वन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, यहाँ पे लिखो आई टू 18 माइनस जे फाइव अपॉन एट, ये लगा दी यहाँ पे, और इस ये कितना बचा है यहाँ पे 4, और यहाँ पे माइनस जे थ्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस जे एट, आई टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से आई टू के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा ये आएगा, इसको मैं पहले उस फॉर्म में लिख रहा हूँ 800 अपॉन 87 माइनस जे 30, इसको फेजर में चेंज कर दो तो आई टू आ जाएगा हमारा, यहाँ से मैं फेजर में लिख दे रहा हूँ इसको डायरेक्ट 8.69 एट एन एंगल ऑफ 19.02 डिग्री एम्पियर। ठीक है, ये आ गई हमारे आई टू की वैल्यू। आई वन कितना आया है, आई वन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, आई टू मल्टीप्लाई बाय आई टू यानी 8.69 एट एन एंगल ऑफ 19.02, इसकी मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस जे फाइव अपॉन 8, इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ से तो आएगा हमारा ये आई वन के लिए सोल्व करो इसको 20.29 एट एन एंगल ऑफ 3.5 डिग्री एम्पियर। तो ये हो गई हमारे आई वन की वैल्यू। ठीक है, तो आई वन की वैल्यू आ गई, आई टू की वैल्यू आ गई, यही हमसे पूछा था, बस इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके बाद तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।